सूरज की पहली किरण यहाँ से गिरेगी और यही वो एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से शुरू हो जाएगा। एक जो टाइम है वो पाकिस्तान का शोर है और दूसरा टाइम जो है वो दिल्ली का इंडिया का शोर है। हमारे जो है वो जवानों ने अपने जिस्म के साथ बम बांध के जो है उस ब्रिज को उड़ाया। 1965 की वॉर के अंदर जो है यहाँ पे जो है वेलियंटली जो है इसको डिफेंड किया पाकिस्तान की आर्मी ने। एक शॉट रिकॉर्ड करने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है और हम कितनी एफर्ट करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। इसको कहते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन। पाकिस्तान में जो सूरज की किरण है वो सबसे पहले इस जगह पे पड़ती है। हम इस वक्त मौजूद हैं बड़ा भाई गांव के साथ जो आखिरी चेक पोस्ट है रेंजर्स की, और हमारे पीछे पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है और ये स्नाइपर पोस्ट है। नरोवाल हमारा पाकिस्तान का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो है पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन है इसके अंदर सबसे पहले सूरज यहाँ पे डूब होता है, तो इसलिए जो है ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए जो है ये चढ़ते सूरज की सर्दी होती है। ये चक गाजियाँ गाँव जो है वो बड़ा भाई मसरूर यूनियन काउंसिल का एक गाँव है। इसको कहते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन। पाकिस्तान में जो सूरज की किरण है वो सबसे पहले इस जगह पे पड़ती है, और एक और इसकी वजह तस्मिया ये भी है कि इसको स्टैंडर्ड टाइम जो है पाकिस्तान का वो इस जगह से मैयर किया गया। एक शॉट रिकॉर्ड करने के लिए जो चंद सेकंड का एक शॉट होता है ना, उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है और हम कितनी एफर्ट करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये टाइम लैप्स मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है और मेरे बिल्कुल राइट साइड पे सूरज की पहली किरण यहाँ से गिरेगी और यही वो एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से शुरू होता है। इस वक्त अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये इंडिया की जो पोस्ट है इसको कहते हैं टिंडा नंबर टू। टिंडा नंबर टू जो है ये एक डिसाइडिंग जो है वो पॉइंट है जहाँ से हमारी वर्किंग बाउंड्री, जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है वो, और जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो स्टार्ट होता है। अगर इस साइड पे आप देखें तो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, और इस साइड पे आप देखें तो हमारा जो है वो वर्किंग बाउंड्री है। ''1965 की वॉर के अंदर जो है यहाँ पे बहुत जो है वेलियंटली जो है इसको डिफेंड किया पाकिस्तान की आर्मी ने और लोगों ने। आपके यहाँ से तकरीबन कुछ 4-5 किलोमीटर दूर आपने देखा होगा जसर कैंट है, वहाँ पे देर यूज़ टू बी अ ब्रिज जो कनेक्ट करता था रावी के क्रॉस ईस्टर्न पंजाब को। तो जब जो है अटैक हुआ, एग्रेशन की इंडियन आर्मी ने, तो वहाँ पे हमारे जो है वो जवानों ने अपने जिस्म के साथ बम बांध के जो है उस ब्रिज को उड़ाया और उसको इंश्योर किया कि वो इस तरफ जो सब नाम की पेशकदमी नहीं हो सके। ये मैं आपको मोबाइल अपना दिखा सकूं तो यहाँ पे दो टाइम मेरे मोबाइल पे शो हो रहे हैं। एक जो टाइम है वो पाकिस्तान का शोर है और दूसरा टाइम जो है वो दिल्ली का इंडिया का शोर है। ठीक है, और हमारा और इंडिया का जो टाइम है उसका ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है।